दोस्तों मैं रम्मू सिंह, सतना लोकसभा को लेकर मैं लगातार आपके सामने समाचार पेश कर रहा हूं। नारायण त्रिपाठी कांग्रेस से जब भाजपा में आए और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अजय सिंह राहुल चुनाव हार गए, तब एक जाति विशेष के लोगों ने नारायण त्रिपाठी के नाम की हाइट इतनी बढ़ाकर सोशल मीडिया प्रचारित कर दी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीधे कैबिनेट मंत्री ही बनाएगी और अगला लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाएगी। शिवराज सिंह सरकार ने उन्हें मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव लौट कर दोबारा फिर आ रहा है। तब उस समय 2014 में यह लगा कि नारायण त्रिपाठी मैयर से विधायक ही नहीं सांसद बन गए हैं। 2018 के विधानसभा के चुनाव में जिले भर में सबसे कमजोर किसी प्रत्याशी की स्थिति बताई जा रही थी तो वह मैहर विधानसभा से नारायण त्रिपाठी की। संघ के सभी सर्वे, भाजपा खुद इस सीट से नारायण की जीत नहीं मानकर चल रही थी, मगर ऐसी परिस्थितियों में भी विधानसभा का चुनाव जीतकर नारायण ने अपनी राजनीतिक क्षमता का परिचय दे दिया है। नारायण जब से 2018 का विधानसभा चुनाव जीते हैं तभी से उनके नाम को लेकर लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाएं आम हो चली हैं, मगर यह तब संभव हो पाएगा जब रीवा लोकसभा सीट से ब्राह्मण प्रत्याशी बदल दिया जाएगा, क्योंकि सीधी से रीति पाठक ब्राह्मण, रीवा से जनार्दन मिश्रा ब्राह्मण, फिर सतना से भी ब्राह्मण प्रत्याशी को ही भाजपा टिकट देगी ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि भाजपा से पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक पटेल, कुशवाहा, यादव खिसकता नजर आ रहा है। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चयन करना कठिन मालूम पड़ता है। देखना दिलचस्प यह भी होगा कि यह चुनाव किस तरह प्रत्याशी तय करता है। दोस्तों फिलहाल नारायण त्रिपाठी के नाम की चर्चा बहुत तेज से एक बार फिर उभर कर सामने आ रही है, लेकिन यह उस समय की परिस्थितियों पर आधारित रहेगा कि टिकट किसको दी जा रही है। क्योंकि विंध्य रीजन में सबसे ज़्यादा जातिवाद है और जाति समीकरणों के आधार पर ही टिकट दी जाएगी। रीवा और सीधी ऑलरेडी ब्राह्मण लोकसभा सांसद हैं दोनों जगह से, ऐसे में सतना से भी ब्राह्मण को टिकट दी जाएगी यह थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, लेकिन देखना होगा कि रीवा सीट बदलते हैं या सतना सीट बदली जाती है। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर।